नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश चाटी और सिलसिला बाजारों का में आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, सोमवार का दिन है। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीट का दिसंबर में आधा 6518 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी 6500 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या साल के अंत तक कैसे सीट 6500 का ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करने में सफल हो पाएगा? देखिए, अभी तो फिलहाल जो ये कमोडिटी है ये फिलहाल रेंज के बीच में कारोबार करती नजर आ रही है, ना तो ऊपर जा पा रही है और ना ही नीचे लुढ़क रही है। तो ये जो लेवल है ये एक रेंज में बन चुका है और जहां तक जो इस साल के अंत की बात है तो मुझे लगता है कि इसकी रेंज जो है 6400 से और 6600 फिलहाल यही बनी रह सकती है। इससे ज्यादा भी उड़ता हुआ बाजार दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि अंतिम पड़ाव पर पहुंचते एक बाउंस बैक देखने को मिले। अभी तो एक्सपायरी की वजह से भी काफी उठापटक देखने को मिल रही है जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़के भी हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो नवंबर वायदा आज तेजी दिखा रहा है जबकि एक्सपायरी बेहद करीब है, दो दिन बाद ये वायदा एक्सपायर हो जाएगा। वहीं दिसंबर की बात करें तो वो 6500 के आसपास है, तो जो रेंज बनती दिखाई दे रही है वो 6400 से 6600 मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक फिलहाल बनी रह सकती है। जी हिंसा रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला खल भी कैसे सीर की तरह एक रेंज बाउंड होकर रह गया है, वो भी 2500 के घरों में कारोबार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या दिसंबर 2021 तक बिनौला खल 2500 से ऊपर जा पाएगा? देखिए, बिनौला खल बिल्कुल 2500 से ऊपर, इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिसंबर वायदा जो है 2600 से लेकर 2800 की रेंज दिखा सकता है इस साल के अंत तक, इसमें तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, खबर ये भी निकल के सामने आई है कि जो डेयरी इंडस्ट्री है वहां पे हरे चारे की काफी ज्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से उनके जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो दूध का जो उत्पादन है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो बिनौला खल है वो एकमात्र ही ऐसा उत्पाद है जो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री की इस समय हेल्प कर सकता है। आपको क्या लगता है, अगर पोल्ट्री और डेयरी से मांग निकलती है तो क्या साल 2021 बिनौला खल के लिए बेहतर साबित हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, इसका अगर डिमांड फैक्टर पिकअप होता है और डिमांड अच्छी खासी निकल कर आती है तो डेफिनेटली इसकी प्राइसेस के ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है और आगे 2021 जो है वो इस कमोडिटी के लिए बेहतरीन साल हो सकता है। लेकिन 2020 की बात करें तो इस साल में भी, सॉरी 2020-21 की अगर बात करें तो इसमें भी अच्छा रिटर्न जो है इस कमोडिटी ने दिया है, ऐसी बात नहीं है। हमने इसको पहले भी 3000 के ऊपर जाते हुए देखा था लेकिन वहां से करेक्शन आई। ऐसे ही जो अगला साल होगा 2021-22 उसमें भी आगे जो है वो तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है और मुझे लगता है कि ये कमोडिटी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है 2800 से 3000 के आसपास ही सस्टेन होती हुई दिखाई दे, जो कि अब 2500 के घरों में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप मान के चलिए जनवरी फरवरी वायदा जो है वो 3000 तक ऊपर जा सकते हैं। जी ये रूपा जी, देख रहे हैं आज मसालों का भी कारोबार काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। धनिया और जीरा काफी शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं आज वायदा बाजार के अंदर। जीरा 16200 के पार है तो वहीं धनिया भी 8500 के ऊपर निकल चुका है। रूपा जी, आपको यहां से क्या लगता है, जिस हिसाब से आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन मसालों में तेजी बनी है, क्या ये तेजी कायम रह पाएगी साल के अंत तक? देखिए, जो ये तेजी बनी है बिल्कुल कायम रह सकती है। देखिए, इन्होंने अपने लेवल्स ब्रेकआउट दिया है। अभी आप धनिया की हमने जैसे कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 8500 तक धनिया ऊपर जा सकता है, लेकिन अब 8500 के ऊपर निकल चुका है और एक दो दिन की अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से वापिस से बाजारों में तेजी बन सकती है और 8800 तक ऊपर जा सकता है। वही अगर बात करें जीरा की तो जीरे ने लंबे अरसे के बाद जो है वो 16000 के स्तर को ऊपरी जो है वो ब्रेकआउट दिया है। अब 16000 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आप मान के चलिए फिर इसमें तेजी 16800 से 17200 तक जाते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो हल्दी में भी तेजी बनी है और हल्दी भी अब 7400 के आसपास दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हल्दी को भी आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 7800 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि डिमांड फैक्टर अब थोड़ा सा पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। विंटर सीजन में भी मसालों की मांग जो है वो अच्छी खासी दिखाई देती है, तो वो फैक्टर भी अभी अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से बाजारों में तेजी बनी है। और अब ये थोड़ा बहुत बाजार जो है शॉर्ट टर्म में और तेजी की तरफ जा सकता है, यानी इस साल के एंड तक आप मानकर चलिए कि अच्छा खासा मुनाफा मसाले भी देते हुए नजर आ सकते हैं। जी हिंसा रूपा जी, नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड एक करेक्शन के बाद आज एक उसी सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार 2021 के अंत तक अच्छा मुनाफा कमवाता नजर आ पाएगा या फिर एक सीमित दायरे में ही रह जाएगा?
देखिए जहां तक ग्वार की बात है 2021 पर, देखिए अगर हम 2020 के एंड की बात करें और अब 2021 में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा रिटर्न इस बार आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12,000 के ऊपर है ग्वार और अभी जो है पिछले साल के मुकाबले में अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसमें भी थोड़ा बहुत उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ मान के चलिए जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो सकता है कि तेजी वाले देखने को मिले, जो सिनेरियो अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये ग्वार जो है 13,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद 15,000 तक के स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 12,000 और 10,000 ये इसके ट्रिगर हैं। अगर 10,000 के ऊपर अभी भी सस्टेन रहती है तो आपको अच्छी तेजी की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। और इस साल के एंड तक की बात करें तो जो इसकी एक्सपायरी है या इस साल के एंड की अगर हम बात करें, जो प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा वो 10,000 के ऊपर के ही लेवल जो है फिलहाल बनते हुए दिखाई देंगे, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। जी ये सर ऊपर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का नवंबर वादा देख रहे हैं 5,800 का हाई लगा चुका है और दिसंबर वादे की बात करें तो 5,700 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। रूपा जी आपने जो लेवल दिया था कि सोयाबीन 5,500-5,600 तक जाती नजर आ सकती, आज आपके वो लेवल अचीव होते हुए नजर आ गए हैं और इनफैक्ट 5,800 का भी हाई नवंबर वादे में हम देख चुके हैं। रूपा जी यहाँ से आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मंडियों में सोयाबीन की अराइवल है लेकिन इंटरनेशनल डिमांड इतनी है और डोमेस्टिक लेवल पर भी हम काफ़ी ज़्यादा डिमांड आते हुए देख रहे हैं ऑयल मिलों और प्लांटों की तरफ से, कि आवकों के प्रेशर के बावजूद सोयाबीन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में सोयाबीन की कीमतें क्या आने वाले कुछ सप्तों में 6,000 का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ पाएंगी? देखिए 6,000 का लेवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आना थोड़ा मुश्किल है। टच जरूर हो सकता है वो लेवल। अभी नवंबर वायदा की बात करें तो एक्सपायरी है, लेकिन दिसंबर वायदा भी तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज दोनों ही वायदा के अंदर लगभग 2.5% की तेजी जो है 3% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, तो आप मान के चलिए 5,800-5,850 का स्तर तो आज ही संभव है दिसंबर वायदा में देखने को मिल सकता है। और वहीं 6,000 का स्तर बिल्कुल इस दिसंबर वायदा में देखने को मिल सकता है, इस साल के अंत तक ये लेवल संभव है। जी तो यानी कि सोयाबीन भी इस समय जो अच्छी तेजी दिखाती नज़र आ रही है वो भी साल के अंत तक ठीक ठाक मुनाफा देती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जो आवकों का प्रेशर है ठीक ठाक है लेकिन जो डिमांड फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है, जो सोयाबीन की कीमतों को रूपा जी के अनुसार तेजी की ओर लेके जा सकता है। रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में भी हमने काफ़ी मजबूती आते हुए देखी है। ICE पर भी हमने कॉटन की कीमतों को $1.40 के ऊपर जाते हुए देखा है काफ़ी सालों के बाद, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा होता हुआ नज़र आया है जब कॉटन की जो कीमतें हैं इतनी ऊपरी जाती हुई नज़र आई हैं, वरना $1 से नीचे ही रहती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, सप्लाई कम है, जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और डोमेस्टिक लेवल पर भी जो डिमांड है वो भी शानदार है, ऐसे में कॉटन की कीमतें साल 2021 के अंत तक और 2022 की शुरुआत में कैसी देखने को मिल सकती हैं? देखिए कॉटन में जो फंडामेंटल है, जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया, फंडामेंटल बिल्कुल सपोर्टिव है, सप्लाई तंग है, डिमांड अच्छी खासी निकल रही है और साल के अंत तक हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले कॉटन में इस बार अच्छा रिटर्न है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस जैसे हमने बिनोला खल की बात करी, वैसे ही इसके अंदर ग्वार में भी हमने जैसे देखा कि एक साल का अगर हम आउटलुक उठा के देखें तो अच्छा रिटर्न है। सेम एज इट इज कॉटन भी पिछले साल के मुकाबले अब अच्छा भाव किसानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला साल तो काफी बेहतरीन रहा। और जो एक्सपायरी की अगर हम दिसंबर अंत तक की बात करें तो वायदा के अंदर 32,000 के ऊपर ही लेवल जो है वो सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। और वहीं अगर हाजिर मंडियों में बात करें तो 9,000-9,500 के लेवल जो है वो सस्टेनेबल है। और वहीं अगर अगले साल की शुरुआती दौर की बात करें तो अगले साल में आने वाले दिनों में हो सकता है कि कॉटन की शुरुआत फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सप्लाई काफी डिस्टर्ब है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट आया और उसके चलते तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और आने वाले साल में हो सकता है कि आपको कॉटन वायदा के अंदर अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी के अंदर दिसंबर के बाद एक्सपायरी है, तो जनवरी की अगर हम बात करें तो हो सकता है 33,500-34,000 के स्तर आपको वायदा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी तो यानी कि हाजिर के साथ साथ वायदा में भी कॉटन की कीमतें काफी शानदार कारोबार करती नजर आ सकती है, नए हाइज फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये सर ऊपर जी बात करें अगर मैंथा की, तो मैंथा में देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड काफ़ी वीक होती हुई नज़र आ रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या साल 2021 के अंत तक मैंथा में ऐसी कारोबार देखने को मिलता रहेगा या फिर कोई छुटमुट तेजी भी देखने को मिल पाएगी?
देखिए फिलहाल मैंथा में मुझे कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा है, अभी फिलहाल कोई डिमांड पिकअप होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो गिरावट आई थी उसके बाद एक रिकवरी बाउंस बैक आप कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। दिसंबर वायदा की बात करें तो मैक्सिमम तेजी अगर पकड़ता है यहाँ से तो 960 तक ऊपर जा सकता है, यानी 15 से 20 रुपए का अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक मैंथा 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक लंबी तेजी इसके अंदर नहीं है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में 880 से लेकर 960-980 ये रेंज इसमें फिलहाल बनी रह सकती है, और इस साल के अंत तक भी 960 तक मैक्सिमम तेजी बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगले साल की शुरुआत भी मुझे लगता है कि काफी सीमित दायरे में हो सकती है, बहुत ज्यादा भी फिलहाल मेहता के अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हमारे साथ जो लगातार दालों के बाजार के बारे में जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सरकार ने दालों पर काफी ज्यादा एक्शंस भी लिए हैं, कीमतों को कम करने के प्रयास भी किए हैं, और उससे कहीं ना कहीं दालों की कीमतों में नरमी भी आई है, स्टॉक लिमिट फॉर एग्जांपल जैसे बात की जाए तो, और दूसरा इंपोर्ट भी किया जा रहा है जिससे कि सप्लाई और डिमांड फैक्टर में ज़्यादा गैप ना रहे, ऐसे में आने वाले समय में दालों का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा, ज्यादा तेजी रहेगी या मंदी? देखिए फिलहाल आने वाले समय में दालों के अंदर कोई बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी जो है सरकार ने काफी एक्शन उठाए हैं और उसके चलते मुझे लगता है कि दालें जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आ सकती है। अभी फिलहाल दालों के अंदर कोई बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी कम्योडिटीज होंगी जिनके अंदर आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में मुझे लगता है कि बिनोला खल के अंदर ही आपको खरीदारी की तरफ रहना चाहिए, और उसके साथ साथ आज सोयाबीन के ऊपर भी नजर बनाई जा सकती है, सोयाबीन के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बिनोला खल और सोयाबीन इन दो कमोडिटीज पर आज आप इंटरडे में नजर बना के चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल सिलसिला बाजारों का हमें बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।